कांग्रेस भी थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई थी पूरे चुनाव में जी। अब जब 24 कल तो 24 सीट पर चुनाव पूरा हो जाएगा जी। अब 16 सीट के लिए ये लोग आ रहे हैं, लेकिन चौथे चरण तक आप देखे होंगे जो बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव को निशाने पे लिए हुए थे जी। और आरजेडी ने उसी तरह वही काम किया वीआईपी के साथ जी। वो 3 सीटें ऐसी थी जहाँ अल्लाह का वोट नहीं है। महाराजगंज में एकदम डायरेक्ट फाइट है जी। पटना में अंशुल अभिजीत जो है जी, वो पहली बार आए हैं पटना के लिए, नए हैं पटना में, लोग उनको जानता नहीं है। मीरा कुमार को लोग जानता है जी, जबकि उनका पटना से वास्ता नहीं रहा जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज झाजी के विश्लेषण में हम जानेंगे कि बीच चुनाव में अचानक कांग्रेस ने गियर क्यों बदला, सत्ते में लालू, क्या होगा इंडी गठबंधन का। अब हम सीधे अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झाजी से जानेंगे इसके पीछे की क्या है बात, क्या कहना है सर आपका इस पे। देखो वेद, अगर तुम पॉलिटिक्स कवर कर रहे हो पटना में जी, और पिछले 2 दिनों से जो कांग्रेस के बड़े नेताओं का पटना आगमन हलचल शुरू हो गया है जी, सलमान खुर्शीद भी आए, जयराम रमेश भी आए, दिग्विजय सिंह भी आए, मोहन प्रकाश भी आए, और कल 5वें चरण का मतदान भी है, मतलब कल 24 सीट का मतदान पूरा हो जाएगा जी। तो अब मात्र 16 सीट बाकी है जी। 16 सीट में ठीक है, कुछ कुछ सीट कांग्रेस की है, महाराजगंज है बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, मुजफ्फरपुर जो कल ही पोलिंग है। तो वैसी स्थिति में अचानक कांग्रेस के नेता ने बिहार से दूरी बना रखी थी जी, अचानक वो बिहार का दौरा क्यों करने लगे, बिल्कुल उनको लगा कहीं ना कहीं पोटेंशियल है जी। मीरा कुमार भी लगातार कैंप कर रही जी। मीरा कुमार अपने बेटा के लिए ही नहीं घूम रही हैं, दूसरे अन्य प्रत्याशियों के लिए भी घूम रही हैं जी, आकाश सिंह के लिए भी गई जी। तो अभी महाराजगंज, बेतिया, ये 2 इम्पोर्टेंट सीट हम देख रहे हैं, चेक करेंगे तो और मिल जाएगा जी। अब सलमान खुर्शीद पटना आते हैं, प्रेस से मिलते हैं, सलमान खुर्शीद पटना आते हैं तो एयरपोर्ट पे बैठ देते हैं जी, सलमान खुर्शीद कई सारे कार्यक्रम में जाते हैं जी। पटना साहिब में वो उन्होंने भ्रमण किया जी, चादरपोशी की, एक तरह से चादरपोशी कहे तो एक तरह से उस इलाके में किए पटना साहिब में जी। पटना साहिब में जहाँ मीरा कुमार के पुत्र जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो अब फुलवारी शरीफ में भी वहाँ भी जाके चादरपोशी किए जी। वो इलाका मीसा भारती का है, लालू प्रसाद का जी। जयराम रमेश भी आते हैं, जयराम रमेश भी काफ़ी मुखर नेता है, काफ़ी जानकार नेता है, कांग्रेस में उनका कद है, और वो भी आते हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने भी कई जगह अपना कार्यक्रम किया जी। उस सबसे महत्वपूर्ण है दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, और दिग्विजय सिंह उसी चर्चा में रहते हैं जी। तो उनका अचानक से बिहार आना, और फिर मोहन प्रकाश जो बिहार के प्रभारी है, जो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे जी, है बिहार के प्रभारी जी, लेकिन पूरे चुनाव में उनकी यात्रा उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी, लेकिन अचानक से फिर आ जाते हैं। मीरा कुमार यहीं कैंप कर रही हैं, तो अचानक से कांग्रेस क्यों जगी जी, आज ये भी एक सोचने वाली बात होगी बिल्कुल। तो अचानक से कांग्रेस क्यों जगी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो जिस टाइप से, मात्र एक बार राहुल गांधी आए थे भागलपुर में, राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसी मतलब आरजेडी के लोगों ने ऐसी बात कर दी जी, जो उनको नागवार बन गई जी। अब वो आए थे भागलपुर के प्रत्याशी के लिए, अजीत शर्मा के लिए प्रचार करने जी, वहाँ आरजेडी ने अपने प्रत्याशी, पूर्णिया के प्रत्याशी बीमा भारती को मंच पे जाके खड़ा कर दिया जी। ये देखते ही राहुल गांधी तुरंत मंच से उतर के गुस्से में निकल के चले भी गए जी। तो राहुल गांधी वही जो पहले या दूसरे फेज में के से जो चुनाव से पहले आए थे, तो उसके बाद वो आना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने बिहार से अपनी दूरी बना ली। अब तो शायद राहुल आया भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में अमेठी भी उनका है, वहाँ से उनकी बहन प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं। तो कांग्रेस को मतलब वहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जी, जो कांग्रेस बिहार कांग्रेस को बिहार कांग्रेस के हवाले ही छोड़ दिया जी, तो तुम ही चलो यहीं पर जिस तरह से कांग्रेस का के लोगों का या बड़े नेताओं का बिहार में आना शुरू हुआ है जी, इसी के लिए एक लाइन है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अच्छा आधा से अधिक चुनाव निकल गया है तब कांग्रेस के इंतजाम का। तो एक तरह से कहें जो अब कांग्रेस का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट, अचानक लालू भी सकते में है, कहाँ थे इतने दिन तक ये सारे नेता या कांग्रेसी नेता
आपने जाजी एक बात आपने मिस कर दिया, कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए थे। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, समस्तीपुर में गए थे सनी हजारी का प्रचार करने के लिए। वहाँ भी ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि अचानक लास्ट मोमेंट में परमिशन मिला, हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन मिला, वो तरह का वहाँ उनका हेलीकॉप्टर की तलाशी भी ली गई, तो जिससे इसका काफ़ी विरोध किया कांग्रेसियों ने, जो भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर का क्यों लिया गया तलाशी, तो उसको लेकर के तो वही कहा है जो अचानक से कांग्रेस एक्टिव हो गई जी। और हमको लगता है जो कांग्रेस एक्टिव हुई है महाराजगंज और बेतिया को लेकर के जी। महाराजगंज में एकदम डायरेक्ट फाइट है जी, ये कोई नहीं कह सकता है क्योंकि वहाँ से वैसे ठीक है महाराजगंज में एक कहा जाता है जो ये एक बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ है जी, यह राजपूत वोटरों की मतलब क्या कहें उसको बोलबाला है, बोलबाला है। और चंद्रशेखर सिंह भी यूपी से आके बलिया से आके चुनाव लड़े थे 80 के दशक में, जब बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा हुआ करते थे जी। उस समय चंद्रशेखर सिंह की बहुत टूटी बोलती थी देश की राजनीति में जी। तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा के मुंह से ये निकल गया था जी। तो अगर वो बहुत बड़े नेता हैं तो कहे नहीं बिहार से आके चुनाव लड़ लेते हैं, जीत के दिखा दें। ये बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर सिंह को चुभ गई जी, वो बलिया छोड़कर महाराजगंज से आए, चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी जी। उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने महाराजगंज सीट जी। मतलब कहे जो बिहार का चित्तौड़गढ़ में आज ही हम काम कर रहे थे, जो लगातार यहाँ पे 13 बार राजपूत सांसद बने हैं जी, 13 बार और 5 बार ये सीट कांग्रेस के पास रही है जी। मतलब कहें जो केवल 57 से लेकर 84 तक कांग्रेस की रही, उसके बाद से ये JDU RJD ये सब के साथ BJP के पास गई सीट। तो एक तरह से कहें तो कांग्रेस हम लोग चले गए थे दूसरे रास्ते जी, जो हम लोग चले गए थे महाराजगंज सीट इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए क्या कि कांग्रेस का जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जी अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके पुत्र वहाँ से भागज मार रहे हैं और सिग्रीवाल 3री बार हैं जी। एकदम आमने सामने राजपूत और भूमिहार वोट का फाइट है जी। उसमें जिस अगर राजपूत वोट अगर भूमिहार वोट लेने में वो कामयाब हो जाते हैं जी, अगर आकाश सिंह जी उस पर अगर यादव और मुस्लिम और मल्ला समीकरण अगर दिख जाता हाँ, है सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ पे 2.5 लाख यादव हैं, ब्राह्मण 2,75,000 हैं, भूमिहार लगभग 4 लाख से ऊपर हैं, राजपूत 4.5 लाख हैं जी। और मतलब ये सारा समीकरण अगर बैठ जाता है तो सिग्रीवाल के लिए परेशानी भी हो सकती है BJP के लिए, क्योंकि सिग्रीवाल से लोग वहाँ मतलब उतने खुश नहीं हैं। अच्छा झा जी एक बात और, 7वें चरण का मतदान मतलब 7वें चरण में मतदान होगा पटना साहिब लोकसभा सीट के लिए, वहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार के खुद बेटे अंशुल अभिजीत जी, मतलब लगातार अब आना कांग्रेस को कहीं इससे उस पर उसके लिए तो नहीं आ रहे हैं, उसके लिए तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो है जो मीरा कुमार अपने आप में एक हस्ती हैं, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, सासाराम से कई बार MP भी बन चुकी हैं, उनका एक कांग्रेस में कद है, उनकी इज्जत है, उनका सम्मान है, उनके पुत्र लड़ रहे हैं जी। इधर महाराजगंज से अखिलेश सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं, वो RJD में भी बहुत दिनों तक रहे थे, कांग्रेस ने उनको राज्यसभा MP बनाकर भेजा है, केंद्र में मंत्री भी रहे थे जी, तो वो भी इम्पोर्टेंट आदमी है, इन दोनों इम्पोर्टेंट के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने शायद कांग्रेस के मुखिया से या कांग्रेस के आला कमान से गुहार लगाई होगी जी। तो कुछ वैसे शख्स को चेहरे को बिहार भेजिए जो मतलब हमारे मतलब MP में जो कैंडिडेट हैं उनको उनके लिए वो लोग बोलें भाषण दें, क्योंकि अब पूरे चुनाव के दौरान पूरे बिहार में चर्चा हो रही है जी, जो बिहार कांग्रेस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनाथ छोड़ दिया है, लवारिस, अब तुम लोग अपने बल पे लड़ो जी, तुमको हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसा भी चर्चा बीच में हमारे सामने आया था कि महागठबंधन की तरफ से जो कांग्रेस है वो कमजोर कड़ी हो गई है, इस पर भी काफ़ी बयानबाजियाँ भी हुई थी, क्या कहना है आपका? कांग्रेस कमजोर तो नहीं है, कैंडिडेट तो लगभग सब जगह, जैसे मुजफ्फरपुर में अजय निषाद हैं जी, महाराजगंज में आकाश सिंह हैं, बेतिया में मदन मोहन तिवारी हैं जी, कटिहार में तारिक अनवर थे जी,
एक तरह से देखें जो कागज पे कमजोर कैंडिडेट हैं, पटना में अंशुल अभिजीत जो हैं वो पहली बार आए हैं, पटना के लिए नए हैं, पटना में लोग उनको जानता नहीं है, मीरा कुमार को लोग जानता है जी, जबकि उनका पटना से वास्ता नहीं रहा है जी, लेकिन अंशुल अभिजीत पटना के लिए नए हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो अब गली गली घूम भी रहे हैं जी, उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे चुनाव जीतने का अपना एक प्रयास वो कर रहे हैं जी, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना प्रचार करके वो चार चुनाव जीती हैं। लेकिन जिस सीट से वो लड़ रहे हैं इस बार, जिस सीट से वो उम्मीदवार हैं, वहाँ पे रविशंकर प्रसाद का एक गढ़ उसको कहा जाता है पट्टे साहिब को, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए रविशंकर प्रसाद जिस जाति से आते हैं वो कास्ट है जी, और पटना साहिब में कास्ट जाति के वोटर बहुत है जी, मतलब 6 लाख से ऊपर है, तो वो एक तरह से पूरा वोट उनको कमल को जाता है जी, और ये और मतलब ऐसा नहीं रविशंकर के नाम पे जाता है, रविशंकर से तो लोग नाराज हैं जी, वो तो पूरे 5 साल किसी से ठीक मुंह से बात भी नहीं करते सीधी मुंह से जी, अब वो लोगों से मिलते भी नहीं हैं जी, उनसे भेंट करना समझ लो मतलब टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके, हमारे आपके सांसद होने से का मतलब नहीं है जो गए दरवाजे पर भेंट हो गई, जो कंकड़बाग से फलना आदमी आया है, दीघा से फलना आदमी आया है, उनसे मिलना चाहते हैं जी, वो सब भूल जाइए। तो वैसी स्थिति में रविशंकर प्रसाद ठीक है, बीजेपी कैडर सीट है, बीजेपी का मतलब किसी को भी बीजेपी टिकट दे देगी जी XYZ वो बीजेपी के नाम पर कमल के छाप पर ही हाजिर देगी, ना कि रविशंकर बहुत बड़े वकील है या बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें जो जनता जो है वो जागरूक हो गई है, वो मतलब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को देखकर नहीं, यहाँ अपने सांसद को देखकर इस बार मतदान कर रही है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा इस बार? एक बार तो 2014 में राम लहर था जी, 19 में राष्ट्रवाद, एकता, अखंडता जी, हम पाकिस्तान पे ऐसे कड़ाई कर देंगे, पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के 19 लड़ा गया जी, अब 24 में इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा है कल बेरोजगारी जी, नौकरी, विकास जी, तो अब वो मुद्दा भी बिहार आके ख़त्म हो जाता है, बिहार आके ऐसा लालू यादव का चेहरा है जो भाई यहाँ पे विकास, बेरोजगारी और ये सब मुद्दा, यहाँ तो लालू यादव पर ही अटैक करना है जी, तो लालू यादव पर ही अटैक कर रहे हैं NDA के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हों, लेकिन चौथे चरण तक आप देखे होंगे जो बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव को निशाने पे लिए हुए थे जी, लेकिन पांचवें चरण का जो प्रचार हो रहा है जो कल खत्म हुआ है जी, उसमें उन लोगों ने बंटवारा कर लिया जी, नीतीश कुमार लालू यादव पे अटैक कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जो भाषण दे रहे हैं वो राम मंदिर, राममय धारा 370, 3 तलाक, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस पर, तो कांग्रेस अब देखना है जो छठे और सातवें चरण में जो भी कांग्रेस की सीट हैं जी, उसमें और कई चेहरे, कौन से नए नए चेहरे कांग्रेस बिहार भेजती है जी, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश का भी चुनाव जैसे जैसे खत्म हो रहा है, खत्म होता जा रहा है जी, तो बहुत सारे जो कांग्रेस के में जो तर्कस में तीर है वो खाली होते जाएंगे जी, अब जैसे MP में दिग्विजय सिंह खाली हो गए होंगे जी, सलमान खुर्शीद भी कहीं पे व्यस्त होंगे, खाली हो गए होंगे जी, जयराम रमेश भी खाली हो गए होंगे, जो जो जैसे ऐसे खाली होते जाएगा उसको हो सकता है भेजा जाए, जिन्हें कह रहे हैं जो वो आएंगे ही जी, अब ये मीरा कुमार और अखिलेश सिंह पर डिपेंड करता है जी, जो कितने को बुला पाते हैं, वैसे अखिलेश सिंह का प्रयास है राहुल गांधी की एक रैली जी महाराजगंज में करवाने की, तो देखते हैं जो अखिलेश सिंह उसमें कितना सफल हो पाते हैं। आप तो ये मतलब एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। हाँ, ये हमारी मतलब उस कैंप से बात है, उन्होंने कहा है जो हम लोग का प्रयास है जी, वैसे चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस हो कि RJD का, RJD में तो कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है नहीं जी, वो तो क्षेत्रीय स्तर का है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का हर प्रत्याशी ये चाहता है जो उसका एक राष्ट्रीय स्तर का नेता का एक रैली, एक संबोधन उसके क्षेत्र में हो जाए जी, अब पूरे देश का चुनाव है जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा देश देखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी, वो अभी तक 3-4 बार आ ही गए बिहार में ही, कहीं उनके लिए बहुत है जी, अमित शाह 7 बार आ गए हैं जी, तो ऐसी स्थिति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से रोड शो कर रहे हैं बिहार में, रोड शो कर रहे हैं जी, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास समय की भी कमी रहती है बड़े नेताओं को, लेकिन कुछ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को
या तो राहुल को एक बार आना चाहिए था, नहीं तो अपनी बहन को प्रियंका गांधी को यहाँ एक बार भेजना चाहिए था, उससे मतलब कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन ये भेज रहे हैं सलमान खुर्शीद को, दिग्विजय सिंह को, जयराम रमेश को, लेकिन चलिए इन लोग को भी तो भेजा जी, जिनको जिनका मतलब अपने में दिग्विजय सिंह ठीक है, जमीनी नेता रहे हैं एमपी में जी, लेकिन बाकी तो उतने वो तो मतलब लोग जानते भी नहीं है। ठीक है, टीवी पर आते हैं, प्रवक्ता है, टीवी पर कभी बयान देते हैं तो लोग देखते हैं, अखबार में लोग देखते हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस ने जो गियर चेंज किया है जी, वो लालू को परेशान नहीं कर सकता है। लालू अचानक सत्ते में आ गए जी, जो कल तक जो बैठा हुआ था, सोया हुआ था जी, झपकी ले रहा था जी, वो अचानक से कैसे पटना में गिरने लगे उसके नेता जी। तो लालू भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन लालू ने तो चाहा था जो कांग्रेस का बिहार में कांग्रेस का वजूद ही समाप्त कर दे जी। वह पहले तो सीटें कम दी, वैसी वैसी सीटें दे दी जो जो उसमें से एक या दो सीट ऐसी है जो जिसमें कांग्रेस ही लड़ी थी, बाकी उसके लिए नया है जी। बिल्कुल, तो एक तरह से कहें जो मतलब लोग कहते हैं, राजनीतिक जानकार कहते हैं, जो जानबूझकर वैसी सीटें दी गई जो कांग्रेस हारे, और वहाँ आरजेडी का भी वर्चस्व नहीं था जी, तो आरजेडी ने वैसी सीटें उनको दे दी जी। और आरजेडी ने उसी तरह वही काम किया वीआईपी के साथ जी, वो तीन सीटें ऐसी दी जहाँ अल्लाह का वोट नहीं है जी। मतलब एक तरह से महागठबंधन के बीच में ही अपने जो तमाम जो घटक दल हैं उनकी ही अग्नि परीक्षा ली जा रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी। मतलब कांग्रेस, निषाद की पार्टी, मुकेश सहनी पार्टी और आरजेडी, ये तीनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और अब वो जो खींचने के कारण जी वो तार इतना उलझ गया है जी, जो हो सकता है चुनाव के बाद वो तार टूट ना जाए जी। अरे इसको इतना खींचे हैं लोग जी, तो अब परेशानी में है महागठबंधन के लोग। उसी में कांग्रेस भी थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई थी पूरे चुनाव में जी। अब जब 24 कल तो 24 सीट पर चुनाव पूरा हो जाएगा जी, अब 16 सीट के लिए ये लोग आ रहे हैं जी। तो अब देखना क्या है, अब आगे और देखते हैं और कांग्रेस के कितने नेता बिहार आते हैं, नए चेहरे कौन कौन आते हैं जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झाजी के विश्लेषण में झाजी ने कितने अच्छे तरीके से बताया और कहा कि जो कांग्रेस है वो बीच चुनाव में आखिरकार क्यों गियर शिफ्ट कर रही है और सत्ते में क्यों लालू प्रसाद आ गए हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहेंगे भारत लाइव के साथ, और अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।